फिर हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो है सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं, बस फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इन चैप्टरों से और देख रहे हैं जो है कौन सा क्वेश्चन सा नंबर है, सीरियल से हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हम लोग का चल तो रहा है रिविट हेड्स का, तो रिविट हेड्स से ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, देखना है कि आगे कौन सा क्वेश्चन देखना है, समझाना तो है। आगे का क्वेश्चन हमारा जो है अगर सिलेबस की तरफ देखते हैं कि सिलेबस में हम लोग जो है ये सारे हो चुके हैं, डबल रोटेड डबल कवर प्लेट चैन टाइप, ये हम लोग देखना है। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है लास्ट, डबल रोटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट चैन टाइप, ये देखेंगे हम। तो वो चैन टाइप का क्वेश्चन ये है, ये है चैन टाइप, ये क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये इसकी ड्राइंग है, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। डबल रिफ्टेड डबल कवर बट जॉइंट है, बट जॉइंट का क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि बट जॉइंट किस तरह का होता है, बट जॉइंट किस तरह का होता है, तब हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि बुक में है और हम मानते हैं कि अगर हमारा ये बुक, अगर इस बुक को हम मानते हैं कि हमारा ये प्लेट है, अगर इस बुक को माने कि ये मेरा बुक एक प्लेट है और ये इस प्लेट की मोटाई है, तो इस तरह से हमारा बट जॉइंट, हमारा ये बट जॉइंट हो रहा है, ये हमारा बट जॉइंट हो रहा है, ये मेरा बट जॉइंट हो रहा है, इसके ऊपर एक कवर और फिर इसके नीचे भी एक कवर हमारा लगता है, फिर इसके नीचे भी हमारा एक कवर लगता है, इस तरह से ये एक कवर लगता है। ये हमारे मेन प्लेट हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्पष्ट दिखाई देगा पेन से दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक मेन प्लेट है, मेन प्लेट है, और ये हमारा भी एक मेन प्लेट है, और ये प्लेट जो है एक प्लेट ऊपर से कवर प्लेट लगाए हैं, एक प्लेट ऊपर से कवर प्लेट लगाए हैं, और एक कवर प्लेट हम जो है एक नीचे से लगाए हुए हैं, तो दो कवर प्लेट हो गया। तो डबल कवर प्लेट पे फिर हम जो है डबल रिप्टेड भी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर जो है यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और फिर यहाँ, मतलब जो नीचे की से आएगा वो, यानी कि ये हमारा इस तरह से डबल कवर बट जॉइंट हो रहा है, डबल कवर डबल रिप्टेड डबल कवर बट जॉइंट इस तरह से हमारा होता है, जिसमें हम ये कवर प्लेट को टीसी से हम लोग बताते हैं, टीसी इसके लिए जो है 0.80 होता है। तो अब हम हटाते हैं इसको और फिर अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये अभी मैंने जो दिखाया है एक बार अब बुक में ही देख लीजिए, ये जो हम दिखा रहे थे बीच में, ये हमारे मेन प्लेट हैं और यहाँ बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है, बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है, ये दोनों का जॉइंट पॉइंट है, दोनों मेन प्लेन का, और ऊपर से एक कवर प्लेट ऊपर से और एक कवर प्लेट नीचे से, फिर इस पर रिवेट लगाए गए हैं, जिस पर रिवेट लगा दिए गए हैं, जो ऊपर से फिर नीचे से इस तरह का जो कवर प्लेट पे लगाया गया रिवेट कवर। तो ये तो हो गया हमारा इस तरह का। अब हम लोग जो है एक इस ड्राइंग को देखते हैं, ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग के बाद से फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस क्वेश्चंस को देखेंगे,
फिर तब एक बार हम जो है क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग को समझेंगे। पहले तो हम एक जनरली समझते हैं कि सारे वैल्यू दिए गए हैं, किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं ये सारे हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन देते हैं। सेंटर लाइन देने के बाद से हम एक फिर दूसरी सेंटर लाइन देते हैं। दूसरी सेंटर लाइन के बीच का इसमें कितना वैल्यू होता है कि 2D+6/7। हाँ, इसके लिए हमें प्लेट की मोटाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसे टी नाम दिया गया है। टी तो प्लेट की कुछ मोटाई हम मानते हैं, जिस तरह से 4 mm मान लें या फिर जो है हम 9 mm मान लें, 16 mm मान लें, इस तरह के हमारे मेन प्लेट की मोटाई, मेन प्लेट ये मेन प्लेट होता है, इस मेन प्लेट की मोटाई हम 4 mm मान लेते हैं, 9 mm मान लेते हैं, 16 mm मान लेते हैं, 25 mm मान लेते हैं, इस तरह से मानते हैं। तो हम ये प्लेट की मोटाई हो गई। प्लेट की मोटाई के बाद से कवर प्लेट हो जाता है। कवर प्लेट को हम टीसी कहते हैं, टीसी नाम देते हैं, और टीसी का जो है वैल्यू जो निकालते हैं वो होता है 0.80 होता है। तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के बाद से हम ये परपेंडिकुलर जो है एक सेंटर लाइन देते हैं। सेंटर लाइन में डी हमारा 6√T के हिसाब से हम जो है 6√T हम डी निकाल लेते हैं। तो डी हमारा जो आ जाता है, सेंटर लाइन से डी ले लेते हैं। डी लेने के बाद से हम मेन प्लेट की मोटाई ले लेते हैं। मेन प्लेट की मोटाई के बाद से कवर प्लेट हम टीसी से निकालते हैं। कवर प्लेट हम टीसी से निकालते हैं तो फिर नीचे की तरफ फिर जो है ऊपर की तरफ दो कवर प्लेट लगा देते हैं वैल्यू के हिसाब से। और फिर जब हम देखते हैं 1.5D मार्जिन 2D+6 mm, बीच का जो है 3D+2D+6, इस तरह से यहाँ पे, फिर इधर लास्ट में मार्जिन 1.5D बराबर TC बराबर 0.80, इस तरह से होता है। ये हमारा एलिवेशन होता है, फ्रंट व्यू होता है। और यहाँ से जब हम मार्जिन निकालते हैं तो ये जो लाइन देते हैं ये 10° पे इंक्लाइंड होता है कवर प्लेट पे। फिर ये हमारा जो होता है ये टॉप व्यू होता है। फिर इन सेंटर लाइनों को हम आगे लेकर के जाते हैं, और इन सेंटर लाइनों का जो अलग अलग हमारा सेंटर लाइन दिया गया है, ये सेंटर लाइन, ये वैल्यू के हिसाब से हम सेंटर लाइन दिए हुए हैं कि 2D+6 mm, 3D+2D+6 mm, 1.5D, इस तरह से दिया गया है। तो वही उसी के सीध में हम लेकर के सेंटर लाइनों को जाते हैं। फिर सेंटर लाइनों के हम जो है रिविट हेड यानी कि 1.6D के हिसाब से जो है रेडियस से हम ये सर हेड बनाते हैं, रिविट हेड बनाते हैं, और सब रिविट दो इधर बना लेते हैं, दो रो इधर है, इधर से बना लेते हैं। फिर बीच में डी के बराबर जो है डॉटेड लाइन ले लेते हैं, और एक से दूसरे के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं। पिच हमारा 3D होता है, तो वो भी वैल्यू हम 3D निकाल करके तभी जो है ये हेड रिविट हेड बनाते हैं। तो हमारा हो जाता है टॉप भी होता है इस तरह से। तो ये हम बनाने का जरिए जानते हैं, लेकिन इसे हम जो है क्वेश्चंस के तौर में देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे रहेगा, और क्वेश्चंस के रूप में फिर हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने ला रहे हैं, इसे देखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, दी गई 4 mm मोटी प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट बट जोड़ की रचना करें चेन प्रकार। दी गई 4 mm मोटी प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट बट जोड़ की रचना करें, बट जोड़ में रचना करें। तो बट जोड़ हम आप लोगों को दिखा दिए हैं कि दो मेन प्लेटों को बट जोड़ में लगाते हैं, फिर ऊपर कवर एक नीचे कवर लगा देते हैं, इसके बाद से वो हो जाता है, उसके बाद से ये चेन प्रकार हो गया। इसके बाद से अब जो है हम जैसे मोटी प्लेट की मोटाई टी 4 mm हो गया, रिविट का ब्यास कैसे निकालते हैं। रिविट के ब्यास के लिए हम जो है 6√T के हिसाब से हमारा 12 mm आ जा रहा है। कवर प्लेट की मोटाई, कवर प्लेट जो टीसी जिसे कहते हैं, ये होता है 0.8T
इस तरह से ये हो जाता है 0.80, तो 3.2 mm इस तरह से हो गया। पिच, पिच की वैल्यू यानी कि पिच की वैल्यू होती है 3D, तो D अगर हमारा 12 है तो इस तरह से 36 हो जाता है। हाँ, अब फिर हम देखते हैं जो 2D+6 mm, यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक रिवेट हेड के पास है जहाँ दूसरा रिवेट हेड लगाया जा रहा है, तो उसके बीच का दूरी जो दिखाया गया है तो वो होता है 2D+6 mm, तो वहाँ उसी तरह से ये 2D+6 mm यानी कि 30 mm तक हो जा रहा है हमारा। 30 mm की दूरी पे हमारा दूसरा रिवेट हेड लगता है, दूसरा रिवेट हेड लगता है। अब आता है मार्जिन जिसको हम M से दिखाते हैं, कि ये मार्जिन हम जो है कवर प्लेट की तरफ दिखाते हैं, तो जहाँ से ये है कवर प्लेट से हम ये यहाँ से जो है 1.5D दिखाते हैं, तो 1.5D के मार्जिन के हिसाब से हमारा 18 mm हो जाता है। 1.5D के हिसाब से 18 mm का, यहाँ से हम 18 mm चले जाते हैं और दोनों तरफ, एक तरफ 18 mm, फिर इधर भी 18 mm, फिर इसके ऊपर 18 mm, यानी कि दोनों कवर प्लेटों पर 18 mm का जो है हमारा मार्जिन आ जाता है। और फिर उस मार्जिन पे हम जो है 18 mm से 10 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन देते हैं, 10 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन देते हैं, जहाँ तक बुक में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 10 डिग्री का इंक्लाइंड किया गया है, ताकि प्लेट की मोटाई दिखाई दे, 10 डिग्री का इंक्लाइंड किया गया है। ये TC जो कवर प्लेट है, TC के नाम दिया गया है कवर प्लेट, और ये मेन प्लेट, जहाँ तक कवर प्लेट, मेन प्लेट, कवर प्लेट ये दिखाया गया है। अब फिर हम बारी आती है कि मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन के बाद से RHD रिविट हेड का व्यास जो होता है, ये रिविट जो आपको ये सारे दिखाई दे रहे हैं, रिविट हेड ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये रिविट हेड, ये रिविट हेड इनका मान होता है 1.6D, इनका मान होता है 1.6D, तो 1.6D करने के बाद से हमारा 19.2 mm, इसको जो अपने आसानी के लिए जो हम लोग 20 भी अंडरस्टूड रखते हैं कि 20 कर लेंगे, यानी कि रेडियस जो है हमारा 10 पे लेकर के इसको हम कर सकते हैं इसको। इस तरह से ये हमारा पूरा वैल्यू निकल गया। अब जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जब ये मेरा पूरा इस क्वेश्चन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू निकालने के बाद से अब हमारी ड्राइंग जो है बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सारे के सारे वैल्यू पता चल चुका है। अब इस तरह से हम जो है ड्राइंग को बनाने के दिशा में अग्रसर होंगे। तो अब हम जो है अपना जो है मिनी ड्राफ्टर या फिर अपना स्केल या फिर जो टी स्क्वायर जो भी है उससे हम अपने बनाने का प्रयास करते हैं। मिनी ड्राफ्टर ही यूज बेहतर है। इस समय तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रोलिंग स्केल लेकर के भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन में ये नहीं है कि आप जो चीज़ पाएँ जो इससे भी मिल जाए, स्केल ही हो जाए तो भी बेहतर है, बन जाए, आपको ये आना चाहिए, समझना चाहिए, बिल्कुल ही आसान है। तो देखिए अब हम इन वैल्यू के साथ सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेंटर लाइन देंगे, उस सेंटर लाइन से फिर हम 2D+6 mm, क्योंकि वैल्यू हम एक बार निकाल चुके हैं, वैल्यू के बाद से 2D+6 mm यानी कि 30 mm पे हम अपना ये दूसरा सेंटर लाइन दे रहे हैं। फिर हम 3D के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे है पिच, ये 3D यानी कि 36 mm हो जाता है, तो उसे 36 mm पे हम दूसरा लाइन देते हैं, सेंटर लाइन देंगे। और फिर उसके बाद से फिर आता है 2D+6 mm, तो यानी कि फिर 30 mm पे हम दूसरा लाइन देंगे। इतना होने के बाद से ये तो हमारा हो गया, फिर हम सेंटर लाइन हमारा आ गया। अब हम आते हैं एक दूसरी लाइन हम देंगे, एक पैरेलल लाइन दे देंगे। अब उस पैरेलल लाइन से हम मेन प्लेट की मोटाई पे जाते हैं, मेन प्लेट की मोटाई हमारी 4 mm है, तो 4 mm पे की मोटाई हम एक दूसरी लाइन देते हैं। और फिर उसके बीच में जहाँ पे हमारा 3D आया हुआ है,
एक उसके मीट पॉइंट पे हम जो है एक लाइन बना देते हैं, ताकि हमारे हमें ये पता चले कि इधर का एक मेन प्लेट अलग है, एक मेन प्लेट अलग है, यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए हैं। मेन प्लेट बना लेने के बाद से अब हम फिर जो है देखते हैं कि हमारा कवर प्लेट की मोटाई कितनी हो रही है। तो कवर प्लेट की मोटाई के लिए टीसी, तो यहाँ जिस तरह से आप वैल्यू निकाल चुके हैं टीसी का 0.80, तो इस तरह से हमारा 3.2 mm का जो है हम एक ऊपर की तरफ एक लाइन लगाते हैं, एक ऊपर की तरफ लाइन लगाते हैं, तो एक लाइन दे देते हैं, और फिर नीचे की तरफ भी आते हैं मेन प्लेट से, दूसरा भी उतने पे उतने डिस्टेंस पे लगाते हैं, तो एक दूसरे भी यानी कि कवर प्लेट भी बन जाती है। अब जब कवर प्लेट बन गई, सेंटर लाइन बन गया, तो अब सेंटर लाइन पे हम जो है डी का वैल्यू देते हैं। तो डी का वैल्यू देने के लिए हमारे पास डी पहले से पता चला है, जो वैल्यू में हम डी निकाले हुए हैं, वैल्यू में हमारा डी 12 mm आया हुआ है। तो इस तरह से सेंटर लाइन से 6 mm एक तरफ, 6 mm एक तरफ, दूसरी तरफ भी हम जो है अपना ये दिखा दिए, डी दिखा दिए, व्यास दिखा दिए, इस तरह से सब पे चारों पे हो गया। इसके बाद से ये रिवेट हेड का जो हम दिए हुए हैं 1.6D RHD 1.6D यानी कि 19.2 यानी कि हम 20 मान लेते हैं, तो 10 के रेडियस का हम एक ऊपर से और फिर एक इधर से दोनों तरफ जो है दोनों तरफ हम लगा देते हैं उसी के रेडियस पे, ये हो जाता है। इस तरह से फिर कवर प्लेट, मेन प्लेट, कवर प्लेट और इस एलिवेशन फ्रंट भी ये हो जाता है। जब हमारा ये हमारा फ्रंट भी हो जाता है, तो फ्रंट व्यू को जो है हम थर्ड में एंगल में और फर्स्ट एंगल दोनों में दिखा सकते हैं, जहाँ की बुक में तो हमारे थर्ड में दिखाया गया है, थर्ड में दिखाया गया है, तो इसे हम फ्रंट में भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि ये भी नहीं कहा गया है कि फ्रंट में दिखाना है, फर्स्ट एंगल में दिखाना है कि थर्ड में दिखाना है, तो हम थर्ड में दिखाया गया थर्ड में भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट में भी दिखा सकते हैं, ये नहीं कहा गया है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद से फ्रंट व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू के बाद से हम आते हैं टॉप व्यू पे। तो टॉप व्यू भी वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो जो सेंटर लाइन हमारे आए हुए हैं उन्हीं सेंटर लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं सेंटर लाइनों को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद से इसके मिड पॉइंट का भी हम एक जो लिए हैं उसमें डॉटेड दिखा लेते हैं। इतना करने के बाद से अब हम एक पॉइंट पे अपने कंपास के निडिल पॉइंट को रखते हैं। कंपास के निडिल पॉइंट को रखने के बाद से अब हम 1.6D यानी कि रिवेट हेड बनाते हैं 1.6D के रेडियस से। 1.6D का है उसका रेडियस है, उसके रेडियस से यानी कि 10 mm का हम ले लेते हैं, ये हेड हम बना लेते हैं, ये हेड बना लेते हैं। फिर पिच यानी कि 3D के हिसाब से, 3D के हिसाब से दूसरा पिच बना लेते हैं, फिर 3D के डिस्टेंस पे हम तीसरा पिच बना लेते हैं। इसके बाद से फिर दूसरा सेंटर लाइन गया हुआ है, फिर इस पर भी हम उसी वैल्यू से अपना हम ये बना लेते हैं, रिवेट हेड बना लेते हैं, रिवेट हेड बना लेते हैं। रिवेट हेड बनने के बाद से फिर हम दूसरे तरफ भी आते हैं, ये सेंटर लाइनों को लेकर गए हुए हैं, तो यहाँ भी बना लेते हैं, सब एक सीधाई में बनाते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, सब जगह इधर भी बना लेते हैं। इस तरह से बनने के बाद से रिवेट हेड बन गया। रिवेट हेड बनने के बाद से अब हम बीच के होल वाले पार्ट को दिखाते हैं जहाँ पे लगना है रिवेट, तो उसको हम जो है डी के बराबर, डी की वैल्यू के बराबर लेते हैं। तो डी हमारा अगर 12 आया हुआ है, तो 6 के रेडियस का हम ये डॉटेड डॉटेड दिखा देते हैं और सब में दिखा देते हैं, जहाँ भी रिवेट हेड बना हुआ है सब हम दिखा देते हैं। उतना बनने के बाद से अब हम मेन प्लेट को पहले पकड़ते हैं, मेन प्लेट को इसे हम या तो शॉर्ट ब्रेक लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन दोनों में इसी में दिखा सकते हैं। तो हमें बुक में शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखा है, तो शॉर्ट ब्रेक दिखा सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन से ये हम लेकर गए, फिर इधर से भी लेकर गए, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, फिर इधर से मिला दिए, इधर से मिला दिए, यानी कि दोनों प्लेटों को हम जॉइंट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कम या ज़्यादा, हम मिड पॉइंट पर दिखाएंगे एक प्लेट को, थोड़ा कम तो
दूसरे प्लेट थोड़ा ज़्यादा, उसके नीचे उसके विपरीत, जिसको कम दिखाए हैं, जिसको एक तरफ ज़्यादा दिखाए उसको दूसरी तरफ कम दिखा देंगे, इसको 1 mm 2 mm, ताकि ये हमारा लगे कि 2 प्लेट लगे हुए हैं। इस तरह से ये बनने के बाद से अब हम आते हैं कवर प्लेट पे। कवर प्लेट पे जहाँ पे हम 10 डिग्री पे इंक्लाइंड किया गया है, एक पॉइंट पकड़ते हैं जिससे, फिर नीचे वाले पकड़ते हैं, इन दोनों के बीच में 1 mm या 2 mm या 3 mm का गैप होता है, उस तरह से इधर का भी पकड़ते हैं फिर इसको मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसको टॉप भी लुक देते हैं, इसको फ्रंट भी लुक देते हैं, यहाँ कट दिखा देते हैं, सी और पी दिखा देते हैं, कवर प्लेट दिखा देते हैं, मेन प्लेट दिखा देते हैं, सब वैल्यू ले देते हैं, और नीचे हम ले देते हैं डबल लिफ्टेड डबल कवर बट ज्वाइंट चेन टाइप लिफ्टिंग, ये दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये बिल्कुल ही इजी है, क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह से हम ये कंप्लीट मानते हैं। और आप इसे देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और समझ में आएगा इसे, और फिर इसकी ड्राइंग बना लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। जो क्वेश्चन लिखाया हूँ, जो वैल्यू देखा हूँ, आप लोग जो है मोबाइल को रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।